हेलो एवरीवन, आज का ये हमारा थर्ड वीडियो है प्लांट हार्मोन के ऊपर। इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो देख रखी है। पहले में हम लोगों ने बात की थी ऑक्सिन हार्मोन की और दूसरी वीडियो में बात की हम लोगों ने जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में। ठीक है, तो आज के वीडियो में पूरा जो प्लांट हार्मोन है टॉपिक वो पूरा आज खत्म कर दूंगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमारा वो है साइटोकाइनिन। अब देखिए, साइटोकाइनिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं कि लगभग मैं हर वीडियो में चीज़ बताती रहती हूँ आपको कि साइंस का शब्द अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदी में पढ़ रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखा करिए, उसका जो अर्थ होता है उसको जानने की हमेशा कोशिश करिए। ठीक है, उससे आपका एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर आपको अर्थ समझ में आ गया तो पेपर में कभी भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा उस शब्द को लेकर के। ठीक है, और आधा प्रॉब्लम आपका उसी टाइम सॉल्व हो जाएगा जब आपको उसका अर्थ समझ लेंगे। अब जैसे यहाँ पर साइटोकाइनिन दिया है, अगर मैं बोलूँ साइटो का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों ने इतनी मतलब इतनी साइंस तो यानी कि बायोलॉजी इतना पढ़ ही रखा है, सेल वगैरह, तो इसका मतलब आपको समझ रहे होंगे इसका मतलब होता क्या है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, सेल का साइटो का मतलब सेल होता है। ठीक है, तो जो साइटोकाइनिन होता है इसका मेन फंक्शन ही होता है सेल डिवीज़न को इंड्यूस करना। ठीक है, यानी कि प्लांट में जो सेल डिवीज़न होती है उसको इंड्यूस करता है। इंड्यूस मतलब होता है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, तो सेल डिवीज़न की जो प्रक्रिया होती है पौधों में उसको बढ़ाने का काम कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। ये पेपर में क्वेश्चन बहुत आया है कि कौन सा प्लांट हार्मोन है जो प्लांट सेल में क्या करता है, सेल डिवीज़न को इंड्यूस करता है यानी कि बढ़ाता है। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखिए, आप कभी भूलेंगे नहीं आज के बाद। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहले स्टार्ट करते, फर्स्ट पॉइंट है लीथम इन 1963 प्रपोज द टर्म साइटोकाइनिन्स। देखिए, लीथम एक साइंटिस्ट है जिन्होंने साइटोकाइनिन शब्द दिया था। ठीक है, पेपर में ये पूछ सकता है कि साइटोकाइनिन शब्द किसने दिया, लीथम ने दिया, ये पेपर में आ सकता है, बट ईयर कभी नहीं पूछता है, तो ईयर याद करने की जरूरत नहीं, बस मैंने वैसे ही इसमें लिख दिया है, तो ये मत हटक लीजिएगा, याद करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, हेरिंग फिश के स्पर्म डीएनए से फॉल्क स्कूग एंड मिलर ने काइनेटिन नामक साइटोकाइनिन हार्मोन आइसोलेट किया था। यानी कि ये कहा जा रहा है, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि साइटोकाइनिन जो होता है वो प्लांट हार्मोन होता है, बट यहाँ पर हेरिंग फिश, और फिश कैसा होता है, ये प्लांट तो होता नहीं, क्या होता है, एनिमल होता है यानी कि जंतु होता है। अब बात यहाँ पर आती है कि जो स्कूग थे और मिलर, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी किसकी खोज की, एक साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज की, उस हार्मोन का नाम था काइनेटिन। ठीक है, और यह हार्मोन खोजा किस में इन लोगों ने, इन्होंने खोजा हेरिंग फिश में, यानी कि एक जंतु में खोजा। अब ये हेरिंग फिश कैसी होती है, बहुत लोगों ने देखा भी होगा, बट जिसने नहीं देखा है मैं उनको इसका डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है हेरिंग फिश। ठीक है, तो इसी हेरिंग फिश के डीएनए में स्कूग एंड मिलर ने क्या देखा था, काइनेटिन नामक साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज की थी। ठीक है, तो सबने देख लिया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पर, कोकोनट मिल्क में सब्सटेंस आइसोलेट हुआ जो साइटोकाइनिन था। यानी कि जो कोकोनट मिल्क होता है, यानी कि जो कच्चा नारियल होता है उसके अंदर जो मिल्क भरा होता है, दूध या पानी भरा होता है, उसमें क्या देखा गया था, उसमें भी साइटोकाइनिन हार्मोन पाया जाता है, ये खोजा गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कोकोनट जो मिल्क होता है उसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है, कौन सा प्लांट हार्मोन, तो आपको याद रखना है साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन, सी से कोकोनट और सी से साइटोकाइनिन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्लांट हार्मोन जो होता है वो एक ही प्लांट हार्मोन सी से है, वो भी साइटोकाइनिन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा प्लांट हार्मोन तो है नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जिया मेज में जिएटिन सब्सटेंस भी साइटोकाइनिन होता है। यानी कि जीएमएस का मतलब यहाँ मक्का है, मक्का सबने देखा होगा, बहुत लोग इसको भुट्टा भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको जीएमएस कहते हैं, मतलब मेज कहते हैं, बॉटनिकल नेम इसका जियामेज है। ठीक है, तो जियामेज में एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है जिएटिन, और जो जिएटिन सब्सटेंस होता है ये भी क्या है, एक प्रकार का साइटोकाइनिन हार्मोन है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जिएटिन सब्सटेंस क्या है, हार्मोन है, एंजाइम है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको याद होना चाहिए कि एक साइटोकाइनिन, और साइटोकाइनिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जिएटिन भी क्या है, एक हार्मोन है। ठीक, इसकी खोज किसने की थी, लीथम ने की थी, यानी कि जिएटिन यानी कि जो मक्का होता है उसमें जिएटिन शब्द की खोज किसने की थी, यानी कि सब्सटेंस की खोज की थी, लीथम ने, जिसने पहली बार साइटोकाइनिन की खोज की थी। ठीक है, याद रखिएगा लीथम का नाम। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, काइनेटिन जिएटिन एंड बेंजिल एडेनिन आर एग्जाम्पल ऑफ साइटोकाइनिन। यानी कि काइनेटिन जो होता है, जो कि हम लोगों ने अभी देखी थी ना, फिश में देखी थी, मछली के अंदर पाई गई थी, जिएटिन हमने देखी जो कि मक्के के अंदर थी, बेंजिल एडेनिन जो होता है ये भी, ये आर्टिफिशियल होता, मतलब आर्टिफिशियल कह रहे हैं, सॉरी, ये कृत्रिम होता है जो कि बनाया जाता है, मैन मेड होता है, और ये जो होता है काइनेटिन और जिएटिन तो नेचुरल हैं साइटोकाइनिन। ठीक है, आर एग्जाम्पल ऑफ साइटोकाइनिन। अब इसके फंक्शन देखते हैं क्या होता है। पहला फंक्शन दिया सीड ग्रोथ इंक्रीज्ड
बाई साइटोकाइनिन हार्मोन, यानी कि जो सीड जो होता है, बीज जो होता है, उसकी जो वृद्धि होती है वो साइटोकाइनिन हार्मोन की वजह से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा दिया है इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, यानी कि जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है वो नए पत्ते बनाने में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ उन पत्तों में क्लोरोप्लास्ट के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया है, तो जाहिर सी बात अगर पत्तों में क्लोरोप्लास्ट बनाने में हेल्प कर रहा है तो एक तरह से देखा जाए तो ये फोटोसिंथेसिस में तो हेल्प कर रहा है, क्योंकि जितने ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट बनेंगे उतना ही अच्छे से क्या होगा, क्लोरो फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कोरिलेट करके पढ़िएगा। इट हेल्प्स टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस एंड डिले लीफ सेंसेंस। ठीक है, देखो ओवरकम का मतलब क्या होता है, ओवरकम का मतलब होता है रोक देना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये एपिकल डोमिनेंस को क्या कर देता है, रोक देता है। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस हमने बात की थी, जैसे कि मान लीजिए ये स्टेम है, यहाँ से क्या पत्तियाँ निकली हैं, ये यहाँ से पत्ती निकली, ठीक है, यहाँ से क्या बड़ निकले हुए हैं, ये बड़ यहाँ से निकला हुआ है, सामने एक बड़ यहाँ निकल गया। ठीक है, तो ये जो सबसे ऊपर ये बड़ दिख रहा है ये होता है एपिकल बड, क्या होता है एपिकल बड होता है, और ये क्या होते हैं, ये होते हैं लेटरल बड। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब क्या लेटरल बड है। ठीक है, तो जो एपिकल बड होता है इसकी जब ग्रोथ होती है ना तो लेटरल बड की ग्रोथ रुक जाती है, तो इसी को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंसी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एपिकल डोमिनेंसी। तो ये एपिकल डोमिनेंसी की वजह से क्या हो जाता है, लेटरल बड की ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो ब्रांच ज़्यादा नहीं बन पाते। ठीक है, तो ये क्या करता है, साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है वो एपिकल डोमिनेंसी को ही रोक देता है, यानी कि लेटरल बड की ग्रोथ में हेल्प करता है एक तरह से देखा जाए। ठीक है, तो क्या होता है ये क्या करेगा, एपिकल डोमिनेंसी को रोक देगा, ओवरकम का मतलब रोक देना। ठीक है, एंड डिले लीफ सेंसेंस। ठीक है, तो लीफ सेंसेंस का मतलब होता है पत्तियों में वृद्धावस्था, जैसे मनुष्य में आती वृद्धावस्था ना, क्या होता है एक टाइम के बाद जब एज बड़ी होती है तो इंसान क्या हो जाता है, एज तो बड़ी मरेगा नहीं इंसान, बट क्या होगा उसकी आंखें जो होती है उसकी रोशनी वीक हो जाती है, कानों में सुनाई देना कम पड़ जाता है, हाथ पैर बहुत वीक हो जाते हैं, उतने फिजिकली स्ट्रांग नहीं रह जाते हैं। तो उसी तरह पौधों में भी क्या होते हैं, पत्तियाँ होती हैं उनकी स्टेम होती है बहुत, मतलब क्या हो जाती हैं, कमज़ोर पड़ने लगती हैं। ठीक है, तो वो जो कमज़ोर पड़ना होता है एक तरह से देखा जाए पत्तियों में एक तरह से वृद्धावस्था होती है। ठीक है, तो सेंसेंस मतलब होता है पत्तियों में वृद्धावस्था आना। ठीक है, तो डिले, डिले का मतलब लेट कर देना। तो साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है वो पत्तियों में वृद्धावस्था की जो प्रक्रिया होती है उसको लेट कर देता है, यानी कि पत्तियों में जल्दी वृद्धावस्था ना आने पाए। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए ये भी बहुत अच्छा काम है इसका। फिर नेक्स्ट क्या है, इट ब्रेक्स डोरमेंसी पीरियड ऑफ सीड। देखिए डोरमेंसी, डोरमेंसी का मतलब होता है रेस्टिंग, रेस्टिंग, रेस्टिंग का अगर आप रेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात उस टाइम पे कोई काम तो करेंगे नहीं। सेम वैसे बीजों में भी होता है, बीज जब रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं यानी कि डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं तो इनका क्या होता है, अंकुरण नहीं होता। ये जैसे बीज है तो इसमें से क्या होगा, अंकुरण ऐसे नहीं निकलेंगे, यानी कि इससे नया पौधा जल्दी बन ही नहीं पाएगा। तो जो बीज में से अंकुरण होने की प्रक्रिया रुक जाए काफ़ी टाइम के लिए तो उसको कहते हैं रेस्टिंग पीरियड या डोरमेंसी पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है वो बीज के डोरमेंसी पीरियड को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ब्रेक मतलब होता है तोड़ देना यानी ख़त्म कर देता है। ठीक, तो ये भी एक अच्छा फंक्शन है इसका। फिर नेक्स्ट देखते हैं, दे आर मेनली इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग प्लांट ग्रोथ सेल डिवीजन। ये जो होता है सबसे मेन इसका जो फंक्शन होता है ये होता है प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करता है, यानी कि पौधे की जो ग्रोथ होती है उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसको क्या करेगा, प्रमोट करेगा, यानी कि उसकी वृद्धि में हेल्प करता है और साथ ही साथ ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करेगा। अब सेल डिवीजन होंगे तो कई सारे सेल्स बनेंगे ना, जाहिर सी बात है, तो पौधे में तो वृद्धि होनी होनी है, जाहिर सी बात है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोट्स लेटरल बड डेवलपमेंट, ये इसी को बता रहा है। ठीक है, एपिकल डोमिनेंसी को रोक देगा तो जाहिर सी बात है जो लेटरल बड होंगे उनकी वृद्धि यानी कि उनका विकास होने लगेगा अपने आप। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, साइटोकाइनेसिस प्रमोट साइटोकाइनेसिस और सेल डिवीजन। देखो साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन, यानी कि इसका मेन काम होता है सेल डिवीजन की प्रक्रिया को प्रमोट कर देना यानी कि बढ़ाना। ठीक है, तो ये साइटोकाइनिन टॉपिक जो वो ख़त्म हो गया। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट हार्मोन के बारे में जो कि है हमारा एथाइलिन हार्मोन। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, इसका सबसे मेन पॉइंट तो पहला ही है गैसियस हार्मोन, एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो किस अवस्था में पाया जाता है, गैसियस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फ्रूट रैपनिंग, इसका फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, फ्रूट रैपनिंग यानी कि फलों को पकाने में, रैपनिंग का मतलब होता है पकाना, यानी कि फलों को पकाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, एथाइलीन का। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जिसका यूज़ प्लांट पौधों को मतलब वो सॉरी फलों को पकाने में करते हैं। ठीक, तो कहते हैं एथाइलीन का यूज़, इसको हिंदी में लिखते हैं एथिलीन, हिंदी में इसको एथिलीन कहते हैं। ठीक है, एथिलीन का इसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है,
प्रमोट्स सीड जर्मिनेशन बट ओवरकम कॉज सीड डोरमेंसी, प्रमोट सीड जर्मिनेशन। अब क्या होगा इसका मतलब, सीड का मतलब होता है बीज और जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरण, यानी कि बीजों से अंकुरण की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। यानी कि अगर किसी पौधे के बीज में सीड डोरमेंसी आ जाए, यानी कि उससे क्या हो, बीज से अंकुरण नहीं हो रहा, तो एथालिन का अगर उस पर छिड़काव कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, उससे जर्मिनेशन होने लगेगा। ठीक है, तो ये सीड जर्मिनेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है, कौन सा हार्मोन, एथालिन। बट ओवरकम, ओवरकम मतलब क्या होता है, रोकना, कॉज सीड डोरमेंसी, लेकिन ये क्या करता है, सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी मतलब क्या होता है, बीज में जो रेस्टिंग अवस्था आती है, यानी कि ऐसी अवस्था जब बीज से अंकुरण ना हो, तो उसको बोलते हैं सीड डोरमेंसी। तो उस अवस्था को क्या कर देता है, रोक देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है एब्सेसन लेयर फॉर्म। एब्सेसन लेयर मतलब होता है ऐसे, होता है ऐसे लेयर जिसकी वजह से क्या होते हैं, पत्ते जो होते हैं वो अपने आप पौधों से वीक हो जाते हैं और गिरने लगते हैं। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है, देखिए पतझड़ का जब मौसम आता है, आपने देखा होगा कि पौधों से क्या होते हैं, पेड़ों से भी पत्ते अपने आप गिरने लगते हैं, क्या होता है, सारे पत्ते गिर जाते हैं। ऐसा होता है इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा जो पत्तियाँ होती हैं इनमें क्या होते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन यानी कि वात्पोसर्जन की क्रिया करते हैं हम। ठीक है, तो जब पौधों से पत्ते गिर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से वात्पोसर्जन की क्रिया कम हो जाएगी, तो पौधों में क्या होगी, नमी बनी रहेगी। ठीक है, तो ऑब्सेसन लेयर फॉर्म होने का फायदा ये होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अनराइप फ्रूट हार्ड ड्यू टू कैल्शियम पिक्टेट, यानी जो कच्चे फल होते हैं वो हार्ड होते हैं। ऐसा होने का रीज़न ये होता है कि कच्चे फलों में क्या होता है, कैल्शियम पिक्टेट। ठीक है, तो कैल्शियम पिक्टेट की वजह से क्या होता है, पौधों के मतलब जो फल होते हैं वो कच्चे जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। बट एथाइलिन डिजॉल्व कैल्शियम पिक्टेट एंड फ्रूट बिकम राइप, लेकिन जो एथाइलिन होता है जब इस पर छिड़काव किया जाता है कच्चे फलों पर, तो क्या करता है, एथाइलिन कैल्शियम पिक्टेट को गला देता है, यानी कि डिजॉल्व करता है, घुला देता है अपने आप में। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम पिक्टेट क्या घुल जाएगा और फ्रूट क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, यानी कि पक जाता है। ठीक है, तो हमने एथाइलिन हार्मोन भी पढ़ लिया, खत्म हो गया आज का हमारा टॉपिक। लास्ट टॉपिक है कौन सा हार्मोन है, एब्सिसिक हार्मोन। ठीक है, देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट कहता है इट इज़ वीकली एसिडिक इन नेचर, यानी कैसा होता है, वीक एसिड का नेचर का होता है। ठीक है, एसिड तो होता है बट वीक एसिड होता है क्योंकि इसका पीएच जो होगा लगभग 7 के आसपास होता है। इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड बाई एडिकॉट इन 1963 फ्रॉम कॉटन फ्रूट, यानी कि इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, एडिकॉट ने की थी 1963 में, और किसमें की थी, कॉटन फ्रूट में, यानी कि जो कॉटन मतलब होता है रुई, जो होता है रुई उसके फल जो होते हैं उसमें इसकी खोज की थी एब्सिसिक एसिड की। ठीक है, इट इनहिबिट रेगुलेशन ऑफ पोटेशियम आयन इन गार्ड सेल सो डिक्रीजेज रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, इट इज़ कॉल्ड एंटी ट्रांसपायरेंट्स। देखिए क्या होता है, हम अब गार्ड सेल क्या होता है, आपने स्टोमेटा पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो वीडियो देख लीजिए, मैंने इस टॉपिक को पढ़ा रखा है। ऐसे होता है ना गार्ड सेल, ऐसे होते हैं, ये होता है स्टोमेटा, ये दोनों होते हैं बीन शेप जो आपको दिख रहा है, ये दोनों ये होते हैं गार्ड सेल। ठीक है, मैं एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ, ऐसे नहीं, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये स्टोमेटा का पूरा डायग्राम है, ये दोनों होती हैं, ये होती हैं गार्ड सेल, बिन शेप की होती हैं, जो काजू होता है उसी के शेप की, ये दोनों क्या है, गार्ड सेल हैं। ठीक है, यही बोल रहा है, जो गार्ड सेल होती हैं ये एसेसरी सेल्स होती हैं। ठीक है, ये क्या है, ये ओपन स्टोमेटा, ये क्लोज स्टोमेटा। ठीक है, ये दोनों गार्ड सेल हैं, ध्यान रखिएगा हम इसी गार्ड सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है इनमें, जो होता है पोटेशियम आयन का जो रेगुलेशन होता है, क्योंकि पोटेशियम आयन और सोडियम आयन आपने पढ़ा होगा ना, इन दोनों के कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता है, स्टोमेटा खुलता है बंद होता है। इस टॉपिक को अगर आपको पढ़ना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखी है स्टोमेटा के बारे में, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, तो क्या होता है, पोटेशियम आयन जो होता है इसके रेगुलेशन को इनहिबिट, इनहिबिट मतलब होता है रोक देना। ठीक है, तो जो एब्सिसिक एसिड होता है वो क्या कर देता है, पोटेशियम आयन के रेगुलेशन को रोक देता है गार्ड सेल के अंदर। अब जब गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आयन का रेगुलेशन रुक जाएगा तो जो ट्रांसपायरेशन की क्रिया होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज, यानी कि धीमी हो जाती है। ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है पत्तियों से या फिर स्टेम से पानी का भाप बनकर उड़ जाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया जो होती है वो धीमी पड़ जाती है, किसकी वजह से, एब्सिसिक एसिड की वजह से, क्योंकि यह क्या कर देता है, पोटेशियम आयन के रेगुलेशन को गार्ड सेल के अंदर कम कर देता है। ठीक, तो इस वजह से इसको एंटी ट्रांसपायरेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो एब्सिसिक एसिड होता है इसको एंटी ट्रांसपायरेंट भी कहते हैं, क्योंकि क्या कर देता है, ये ट्रांसपायरेशन की क्रिया को कम कर देता है। तो एक तरह से देखा जाए इसका बहुत अच्छा फंक्शन है ये, क्योंकि अगर पौधों में पानी का बहुत लॉस हो रहा है, यानी कि ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस पर अगर एब्सिसिक एसिड का छिड़काव कर दिया जाए तो ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। ठीक, ये बात भी इससे निकल के आ रही है।
इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाटर स्ट्रेस हार्मोन। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, वाटर स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ग्रोथ इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब रोकना, तो ये प्लांट की वृद्धि को क्या कर देता है, रोक देता है। एंटी जिब्रेलिन हार्मोन, ये एंटी जिब्रेलिन हार्मोन भी है। एंटी जिब्रेलिन का मतलब होता है जिब्रेलिन हार्मोन के जितने भी फंक्शन होते हैं उसका जस्ट उल्टा ये फंक्शन करता है। जिब्रेलिन क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है, बट ये क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ को कम कर देता है। तो ये कैसा होता है, एंटी जिब्रेलिन। प्लांट, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन एंटी जिब्रेलिन होता है, तो याद रखिएगा एब्सिसिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, एंटी जिब्रेलिन हार्मोन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट रेगुलेट पोटेशियम आयन इन गार्ड सेल स्टोमेटा। ये तो हमने बात कर ली। प्रमोट सीड डॉर्मेसी। अब देखो सीड डॉर्मेसी, डॉर्मेसी का मतलब क्या होता है, रेस्टिंग पीरियड, यानी कि सुप्तावस्था, ऐसी अवस्था जिसमें क्या होते हैं, बीज से अंकुरण ना हो, उसे कहते हैं सीड डॉर्मेसी। ठीक है, तो ऐसी अवस्था बीजों में लाना कि बीजों से अंकुरण ना हो पाए, उस प्रक्रिया को प्रमोट करता है, यानी कि बढ़ा देता है, यानी कि बीजों से अंकुरण ना होने की प्रक्रिया को कहते हैं सीड डॉर्मेंसी, और इस प्रक्रिया को क्या कर देता है, एब्सिसिक एसिड बढ़ा देता है। इनहिबिट सीड जर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बात है, अगर ये सीड की जर्मिनेशन मतलब इससे अंकुरण की प्रक्रिया को रोक रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, सीड जर्मिनेशन को भी तो रोक रहा है, तो क्या हो जाएगा, इनहिबिट मतलब रोकना, क्या कर देता है, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है और उसके डेवलपमेंट को भी इनहिबिट करता है, यानी कि रोक देता है। ठीक, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एब्सेसन लेयर। ये एब्सेसन लेयर बनाने में हेल्प करता है। एब्सेसन लेयर मतलब होता है ऐसी लेयर जिसकी वजह से क्या होते हैं, फल पत्तियाँ क्या होती हैं, पौधों से कमज़ोर होकर गिरने लगती हैं। ठीक है, इफ़ एब्सेसिक फॉर्म इन अर्ली स्टेज लीफ फ्रूट फॉल डाउन, यानी कि अगर पौधों में एब्सेसिक एसिड बहुत जल्दी बन जाए तो क्या होते हैं, पौधों से लीफ और फ्रूट यानी कि पत्तियां और फल क्या होते हैं, वो गिरने लगते हैं। ठीक है, फिर क्या कहता है, जिब्रेलिन स्प्रे ऑन दीज प्लांट। अब वो क्या होता है, जब अर्ली स्टेज में पत्तियाँ और फल गिरने लगते हैं तो क्या करना चाहिए, ऐसे पौधों पर जिब्रेलिन का छिड़काव करना चाहिए, तो क्या होगा, इनसे फल और पत्तियाँ नहीं गिरेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से जिब्रेलिन हार्मोन को यानी कि एब्सेसिक एसिड को जिब्रेलिन का एंटी जिब्रेलिन कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, एब्सेसिक की वजह से जो कमियाँ पौधों में दिखाई देती हैं उस पर अगर जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाए तो उस कमी को दूर किया जा सकता है। ठीक है, इसी वजह से एब्सेसिक एसिड को एंटी जिब्रेलिन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, एब्सेसिक एसिड ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यानी कि एब्सेसिक एसिड जो होता है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग यानी कि स्टोमेटा के क्लोजिंग और स्टोमेटा को ओपनिंग में भी बहुत क्या करता है, बहुत अच्छा योगदान देता है। ठीक है, कि जितना हमने पूरा प्लांट हार्मोन पढ़ा है उसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको पूरा समझा देती हूँ। प्लांट हार्मोन हम लोगों ने पढ़े, दो तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, दूसरा है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। अब देखिए टोटल हमने 5 हार्मोन पढ़े हैं, जिनमें से क्या होते हैं, 3 हार्मोन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और जो 2 हार्मोन होते हैं वो कैसे होते, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर यानी कि प्लांट की ग्रोथ को रोकने वाले होते। इनहिबिटर मतलब क्या होता है, रोकना। ठीक है, ऑक्सिन जिब्रेलिन एंड साइटोकाइन जो स्टार्टिंग के 3 हार्मोन हमने पढ़े थे वो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं यानी कि प्लांट की वृद्धि में हेल्प करते हैं, और जो 2 हार्मोन हमने देखे थे वो कैसे होते, प्लांट की ग्रोथ में क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं यानी कि उसकी ग्रोथ को रोकते हैं। एक तो एब्सेसिक एसिड है, एक एथाइलीन है। ठीक है, तो आज हमारा प्लांट हार्मोन टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट लग रहा है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाने का जो तरीका आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले इस चीज़ के लिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पढ़ाने के तरीके में थोड़ा चेंज होना चाहिए तो आप प्लीज़ उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, मैं अपने अंदर थोड़ा सुधार करूँगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और अगर आप मुझसे कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, बॉटनी या ज्योलॉजी का किसी भी क्लास का या फिर किसी भी तैयारी की अगर आप कर रहे हैं, चाहे वो PGT TGT की हो, किसी भी तरह की तैयारी आप कर रहे हो, तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको अच्छे से आपको समझाने की। थैंक यू क्लास।